ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਆਦਾਬ ਦਸਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਲਾਲ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਨਾ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੈਂਸਡੇ ਥਰਸਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਦਸਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਾਲਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਫਸਟ ਵੀਕ ਆਫ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ जो भाणा वरत गया कोई 36-37 साल पहला पर हले भी नवे ने दशको असी दुआ करते हैं कि साडे आने वाली पीढ़ियाँ ये संताप कदे ना हटा। मैं तो यही गल कहूँगा कि वो वक्त भी देखा है इतिहास की घड़ियों ने, वो वक्त भी देखा है इतिहास की घड़ियों ने जब पलों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। दशको पहला वीक जून का पंजवें गुरु साहब जी का शहीदी दिहाड़ा आने वाला 1984 सार तो पहला साढ़े पावन पवित्र गोल्डन टेंपल यानी कि स्वर्ण मंदिर ते हमला होना, उस तो बाद अराजकता फैलनी, उस टाइम दी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का एसासीनेशन होना, उस तो बाद कतलेआम होना। वो चीज़ें जो तो याद कर दियां तो लू कंडे खड़े कर दियां ने अज भी। दर्शको आपां श्रद्धांजलि भेट करते हैं जो किसी ना किसी तरह शहीद होया इस दुनिया तो चला गया, पर उस तो बाद दर्शको मूव ऑन होना सीखिए कि फिर जिदा मैं क्या सी अरदास करिए कि उस संताप साड़ी आने वाली पीढ़ियों नू कदे ना हंडोना पवे। बहुत औखा टाइम सी, बहुत गल्लां वापर गई पिछले 24 घंटा तो दर्शको। हुण मैं तुहानू चाहे आपां गल कर लिए कि डोमिनिका कोर्ट वालों जिहड़ा मेहुल चौकसी है उहनू जिहड़ी है अदालत पेश कीते जाण वास्ते पुलिस ते प्रेशर, ये पता नहीं कि उन्हें इंडिया जाण वास्ते पुश किया जाएगा कि नहीं अदालत वालों, आने वाला वक्त दसेगा। उस तो बाद पांच पद्म श्री ते करीब करीब 20 बुद्धिजीवियों वालों वैसट बंगाल के जिहड़े गवर्नर है उन्होंने वालों चिट्ठी लिखी जानी कि हालात को संभालो, जो अहिंसा जो वायलेंस उत्थे वैसट बंगाल जारी है उन्होंने किसी ना किस तरह ठल पाई जा सके। और उस तो बाद एक जड़ा ईरान का जड़ा वॉरशिप अग लगनी तो उन्हें जड़ा हैगा आ ओमान दे किसी खाड़ी दे विच जाके उन्हें डुबो दिता जाता। कई तरह के खदशे ने, कई तरह के वलवले ने, असलियत कोई कारण जड़ा रीजनिंग और मोरे सुने हले खुल के नहीं आई है। इन सारिया चीज़ों पर आप जड़ा मोटी मोटी झात पावे, पर अज का विषय जिदा मैं तुहाडे नाल पहला भी एक बार डिस्कस किया सीगा, कल भी अपने नाल मुअज़्ज़ज़ मेहमान दर्शपाल सिंह बाजवा उचेचे तौर पर शिकागो तो आए थे। कल उन्होंने पावर्टी ते हंगर जी पूरी वर्ल्ड दे विच है उहदे ते उन्होंने चानना पाया, वो जड़ा चानना उन्होंने पाया। उस तो बाद अज का जो मेन हैगा सीगा, मेन अपना साडा पॉइंट हैगा आ वह हैगा कि जेडे करोना महामारी ना, करोना महामारी ने जिहड़ा दर्शको पूरा इंपैक्ट इकोनोमिकली उदा बंदियां दी लाइफ ते स्टूडेंट्स दी लाइफ ते जिहड़ी पावर्टी तो थल्ले रह रहे लोकां ते उन्हां दा उत्ते की असर पिया ते इहनूं किद्दां ठल पाई जा सकूगी, IMF वालों की रियायतां दित्तियां गईयां या नहीं दित्तियां गईयां, या उस तो बाद जिहड़ा इन जनरल आपां गल करांगे कि कंटेन ते कंट्रोल करन दे की प्लान हो सकदे ने। सब तो पहला आपां स्वागत करांगे बाजवा साहब दा। बाजवा साहब बहुत बहुत स्वागत जी तुहाडा स्टूडियो जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। बाजवा साहब मैं इन जनरल मैं पहला एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिहड़ी तुसीं आपां अज आपां क्वेश्चन लैके आए हैं, हाउ डिड इट इंपैक्ट इन जिहड़ा जिहड़ा इहने इंपैक्ट इन जनरल जिहड़ी करोना महामारी आई है पूरे वर्ल्ड नूं इहने इंपैक्ट किदां कीता इहने इन जनरल? देखो जी COVID-19 ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 2019 'ਚ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਓਵਰਆਲ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ, ਟਰੇਡ, ਟਰੈਵਲ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗਲੋਬਲ GDP ਹੈ ਉਹ 3.5-4% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2021 'ਚ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਤੱਕ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ ਜਨਰਲ ਇਹਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ
होर भी कई तरह का इंपैक्ट किया, पर मैं सारे पहले दसो कि जोड़ा मैडिकल मैडिकल बिजनेस आ, चाहे वह करोना महामारी ने संबंधित है कि उन्होंने वैक्सीन आजाद करने पैसे लाए तो हूँ उस तो बाद, पर उस तो बाद जो आप रेगूलर हस्पतालों की गल कर लिए, रेगूलर डॉक्टर्स या नर्स की गल कर लिए, वह तो पहले नालों बिजी नहीं हो गए सी ज़्यादा? देखो जी जो ये नैचुरल डिजास्टर आते हैं जी तो होना तो चाहिए भी यह चीज़ा पहला प्रोडक्ट करके हॉस्पिटल में तैयार रहना चाहिए जी। और ये पता इतों यही लगता भी बहुत सारे जोड़े हॉस्पिटल या सिस्टम से दुनिया के दे काइंड ऑफ जिमें काचण चेत ही फड़े जाते हैं, पर इन्होंने सारिया चीज़ों समझने वास्ते सानू थोड़े जे होर स्टैप जोड़े हैं वो जो तुम मैं इजाजत दो तो मैं वो डिस्कस करदा और आप फिर उतों शुरू होने इन्होंने सारिया चीज़ों से आ जाओगे। ठीक ठीक बाजवा साहब, आप मेरा एक क्वेश्चन है यदि डिटेल जे स्टैप्स तुम कवर करने ने वो मेरे को है, पर उस पहले मेरा एक क्वेश्चन ये है कि तुम चानना पाओ कि आप नहीं कह सकते कि सोचो 100% कोई भी किते दे लोग माड़े होंगे या सोचो 100% कोई कम्यूनिटी माड़ी होंगी है, पर मैं ये दसो कि इंडिया के बड़े केसिस आए डॉक्टर्स के कि पैसे लैके उन्होंने जे किसी ने ट्रैवल करना तो उसकी रिपोर्ट नैगेटिव की जाती है हालांकि वो पॉजिटिव होंगे, या फिर जे बैड अवेलेबल भी है तो कह देना कि नहीं क्योंकि कोई वड्डा सरमाएदार बंदा होता तो मोटा पैसा लैके उन्होंने बैड दिता जाना, उन्होंने चीज़ों पर तुम की कहना चाहोगे? देखो जी ये बड़ी वड्डी त्रासदी है सिस्टम की जी, तो होना तो नहीं चाहिए क्योंकि जी जान है वो तो चाहे गरीब जान है चाहे अमीर जान है जान तो जान ही है जी। और यह जे वेले च अगर लोगों को पैसे है नहीं जी और वो सिख हैं अगर उन्होंने जान बचाई जा सकती है तो कुछ यहोजे हीले करने चाहिए, चाहे वह समाजिक ऑर्गनाइजेशन बिल कवर कर चाहे साड़ियाँ धार्मिक संस्थावां करन। सो अगर गवर्नमेंट को रिसोर्स थोड़े हैं तो होर लोगों स्टेप अप करना चाहिए, सो इस करके यही है जी जान हर एक की बराबर है। पर बाजवा साहब उस क्वेश्चन खड़ा हो जाता कि गवर्नमेंट की मुढ़ली ड्यूटी नहीं बनती, आप इंडिया की गल कर रहे हैं कि चलो जो रिसोर्स तो लिमिटेड है ही हैं पर उत्थे एक गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं बन जाती कि असी लॉ एनफोर्समेंट इंप्लीमेंट चंगी तरह करिए कि कोई डॉक्टर चाहे वह प्राइवेट है चाहे सरकारी है कोई इदा का फायदा ना चक सके? देखो जी मेरे विचार इवें है कि इंसान को इंसानियत तौर पर भी कुछ करना चाहिए, हर नके से जाके गवर्नमेंट तुहाडा कंट्रोल नहीं रख सकती, डॉक्टरी एक बहुत नोबल प्रोफेशन है जी और डॉक्टरों की भी एक साढ़े प्रति हेल्थ प्रति एक ड्यूटी है और सारी जिंदगी पैसे बनाने हैं, पहला भी बनाते सी गांव भी बनाने, जे एक साल छे महीने थोड़े तुम बराबरी से भी चले गए तो कड़ी गल है, सारी दुनिया सफ़र कर रही है हर एक बंदा इकनोमिकली वो इनकम तो फर्क पे, अगर डॉक्टर का भी थोड़ा पै जे कोई है सिस्टम नू एक्सप्लाइट नहीं करना चाहिए, अगर तुहाडे कोल रिसोर्स है नहीं गे डॉक्टर कोई जगह है नहीं तो ना ट्रीट करे पर एक्सप्लाइटेशन नहीं करनी चाहिए जी जी। मैं दर्शकों साझा करदा कि मैं डॉक्टर ते नर्सों नू आपदे वल्लों बहुत सल्यूट करदा जिन्होंने तय दिलों 16, 17, 18, 19 घंटे का शिफ्ट ला के भी बचाया लोगों और अज भी कर रहे, जिदा मैं लास्ट वीक गल कर रहा सी डॉक्टर हरशिंदर कौर ना कि वो कई डॉक्टर की एसोसीएशनस ने खास करके जो आप चले जाइए तो उन्होंने आपदे कोलों पैसे ला के जो प्राणी चढ़ाई कहता क्योंकि मिट्टियां भी रुलदियाँ देखिया गई ने, जिदा तुम सारे ने देखिया कि गंगा के लाशा तैरदियाँ फिर रही ने, सो डॉक्टर की कई एसोसीएशनस ने जिन्होंने पैसे इकट्ठे करके अंतिम संस्कार का इंतजाम भी किया, सो सल्यूट है उन्होंने डॉक्टर नर्सों होर भी जोड़े मैडिकल स्टाफ के मैंबर है उन्होंने सल्यूट है कि तय दिली ना काम निभा रहे हैं, जिदा बाजवा साहब ने कहा कि कुछ ब्लैक शीप्स होंदिया है जड़िया सारे किते बदनाम कर दिंदिया ने। दर्शको आप डिटेल से जाने थोड़े चिर बाद एक बाजवा साहब मेरा क्वेश्चन यह है कि जेडी वर्ल्ड पावर्टी है COVID-19 तो पहला कोई गरीब रेखा तो थले रह रहा सी एक लाइन ऑफ इनकम बनी हुई सी और हौली हौली उस इंक्रीज आ रही सी तो वह एकोदम जो कोविड आया एकोदम ड्राप कर गई, हुण तुसी दसो भी वो किन्नी क परसेंटेज है तो वह की हीला हो सकता कि वह बेचारे दोबारा उस लाइन पर आ जाए?
ਗੁਲਾਲ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਕੰਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਤਾਂ ਜੋ ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਬ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਐਬਸੈਂਟੀ ਲੀਵ 'ਤੇ ਚਲ ਗਏ ਦੂਜੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਡ ਆਪਣੀ ਟਰੈਵਲ ਸੀਗਾ, ਟਰੈਵਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਈ 9 ਤੋਂ 10% ਹੀ ਘੱਟ ਗਈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵਾਪਸ ਰਿਟਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫੁੱਲੀ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਵੇਂ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰਡ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ। ਸ਼ੇਅਰਡ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 40% ਪੂਅਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਔਨ ਰਾਈਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਕੋਵਿਡ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਸੀਗੀ 40% ਦੀ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕਿ ਫਾਸਟੈਸਟ ਵੇ ਆਫ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਆਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਫੋਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਦਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਲਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਮੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਾਇਆ, ਪਾਵਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਕਾਨਮਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਐਲੈਬਰੇਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ। ਉਹ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਰਹੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਰਹੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਜ਼ 2 ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਘਾਟਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਫੇਜ਼ 3 ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੀ, ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਬਈ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਵੇਵ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟਸ ਐਵਰੀਬਾਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਲੋਬਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੀ, ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਮੋਨੀਟਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ, ਦਵਾਈ ਪਾਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਟੀਕਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਹਰ ਵਾਸਤੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਟੀਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਚ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਅਗਰ ਉਹ ਪੂਅਰਸ ਦੀ ਮਦਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਅਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਚ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਅਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਰਿਚ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਲ
अटेंड करनी चाहिए। जी जी बाजवा साहब, तुसी बेसिकली मैं दर्शकों को क्लीयर कर दाँ कि तुसी कह रहे हो कि इंटायर वर्ल्ड नू कलैक्टिव रिस्पांसिबल रिस्पांसिबिलिटी चकनी पैनी है, तो इकट्ठे होकर अगेंस्ट लड़ना पैना है साइमनटेनियसली। हुण तुसी कंटिन्यू करो जिहड़ा आपां मैं कहा सी डे टू डे लाइफ दे विच। हाँ जी, शुरू तो लैके हुण तक। हाँ, डे टू डे लाइफ एवें है भी जदों ये चाइना तो शुरू होया जी, मुड़ के यूरोप ते अमेरिका च आ गया जी, और जदों उत्थों आ के ते ये फिर वादा वादा जिवें हुण देखो इंडिया च अर्ली पहला है नहीं सी, हुण 2021 च इंडिया च ज़्यादा। सो इट कॉल्स फॉर द टोटल एक्शन आल ओवर द वर्ल्ड। बाकी ये नाल की है कि इन्हें जी ग्लोबल इकानमी है वो सारे पास ही कंट्रैक्ट कर दिती है, एक वो असर है। फिर जी एक्सट्रीम पावर्टी दियाँ तीन लाइनज आप कल भी डिस्कस की, उन्होंने लोगों का भी जोड़ा सिस्टम है वो सारा डिस्टर्ब हो गया जी। और ये कोविड के नाल 150 मिलियन नवे लोग पावर्टी लाइन के होर ऐड हो जाए, सो उन्हों का भी अपन ध्यान करना पेगा। और ये जी अपनी इनक्रीज है उन्होंने, ये 2000 तो पहली बारी है कि जी इनक्रीज हुई है, पहला वरना ये जी उन्होंने इनकम सी वो अपनी घट रही थी। तो बाकी ये जी कोविड डिजीज़ है ये अर्बन डिवेलर्स नूं बहुत ज़्यादा नुकसान होया। पहला जो होर दूजिया सीगियां जॉब वालों अनइंपलायमेंट वो पिंडा तो दूजे एरिए करते थे, पर ये इवन जो मिडल इनकम लोग भी है वाइट कॉलर लोग भी है उन्होंने भी ये फर्क पिया है। सो ओवरऑल इन्हें की किया कोविड ने कि जी पिछले 20 साल की प्रोग्रेस दुनिया चल रही थी उन्होंने इन्हें रिवर्स कर दिता। वो 2015 के लैवल से 2014 के लैवल से वो आ गई है। सो नाले जिहड़ा फिर एजेंडा सीगा 2030 जी बी गरीबी हटानी है अपन 2030 तक जी जी जी, वो भी इफेक्ट होया। और कुछ आंकड़िया के हिसाब से यह दसया जा रहा है कि वो जीरो होने की बजाय वो 2030 भी 7% के लागे रह सकती है जी 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 जी। बाकी जो हूँ आप इफेक्ट देखिए बी ये किमें हो जे 8 नवे बंदे ऐड होंगे पर दसा दे वो मिडल इनकम कंट्रीज दे विच होंगे। सो पुअर कंट्रियां तो हैगियां सी, ये मिडल इनकम कंपनियां ने इन्हें काम किया जी जी। जो हुण आपां डे टू डे लाइफ से आउने आ जी, वो मैं थोड़ा जिहा इन्हां नूं लोकां नूं मैं नंबर दसदा। हाँ जी, देखो वर्क प्लेसिस बंद हो गई जी, स्कूल बंद हो गए जी, जिहड़े अपने होटल मोटल रेस्टोरेंट वो बंद हो गए, मार्केट्स मॉल्स बंद हो गई। फिर ये ह्यूमन लाइफ का भी फर्क पिया, साइकोलॉजिकली लोग लोनली फील कर लग गए, डिप्रैशन के भी कई शिकार, सो भी फर्क पैंदा जी। और जेडे लेडीज़ वूमेन ते बच्चे वो ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, और जेडे 1 बिलियन किड्स हैं वो आउट ऑफ स्कूल्स हैं। हर एक थां ते इन्ना इंटरनेट है नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन असीं सारिआं नूं नहीं दे सकते क्योंकि वर्ल्ड दे विच हर एक थां ते इंटरनेट कनैक्टिविटी ईवन नहीं है, रिच कंट्रियां च ज़्यादा है पुअर च घट है जी जी। सो मुड़ के जदों आपां अगे चलदे हां जी जी, ते जिहड़ियां डिले इन ग्रेजुएशन हो जाएगी जिहड़े हाई स्कूलर जां जिहड़े ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕੋ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 150 million ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਪਰਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਐਡ ਹੋ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ, 150 million ਪੀਪਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰੀਬੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਓਰੀਜਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਊਰਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਬ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਾਇਓ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਾਇਓ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ, ਬਾਇਓ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਲੈਵਲ 1, 2, 3, 4। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ
बड़े स्ट्रोंग काइंड पैथोजन जां स्ट्रोंग कैमिकल उन्हां ते असीं लोग कम करदे आ जी। उहदे दो हुंदे आ कि पहला तां ह्यूमन गेयर भी हुंदा जिहड़े असीं करदे सीगे। एक वार मैं भी किया कि साडा एक चार घंटे लगातार सानू ड्रैस पाउणी पैंदी सी जी जी। सो हुण जदों बायोसिक्योरिटी दे विच जिवें हुण वायरस है ये पैथोजन है ये किते कम करदे आ कई वार वर्करस नू कॉन्टैक्ट हो जांदा है। हुण ये एक जाण के की गई है कई दूजी की गई है यदा मेरे वास्ते तो जवाब देना बहुत मुश्किल है, पर कई बार ये आनैसटली हो भी जाता है क्योंकि जिते लोग कम करते हैं जिते हो जाते। मैं याद आवा अज तो कोई भी साल पहला एक आया सी एंथ्रैक्स वायरस इदा का एंथ्रैक्स साढ़े जेडे पोस्ट ऑफिस वालों बड़ा उन्होंने अवेयर किया कि तुसी कोई भी पार्सल बाहरों आता आ जो उस कोई लीकेज है या कोई उस स्मैल आ रही है या पाउडर खास करके पाउडर के थ्रू उन्होंने एंटर कराने की कोशिश की शरारती तत्वों वालों की गई सी या कोई आनेस्ट मिसटेक सी पता नहीं, पर तुसी कंटिन्यू करो सर जिहड़ा तुसी कर रहे सी कि बच्चे इन्ने मिलियन आउट ऑफ इंटरनेट हरेक नूं है नहीं। थोड़ा व्यूअर नूं दस दें भी जिहड़ा एंथ्रैक्स है जी वह वायरस नहीं हुंदा वह एक बैक्टीरिया है बैक्टीरिया और उहदे जिहड़े ना स्पोर बन जांदे जी वह पाउडर जिहदे च तुसी आया वो स्पोर्स बड़े पैथोजेनिक होंगे right. वो फिर तुसी इनहेल कर लो दूजा करो तो वो डिजीज़ हो जाती है। तो बाकी उत्थे हुण आपां वापस आउने आ कि जिहड़ी मिडल क्लास सी जिहदे आपां पहलां तुसी भी कहा भी उन्हां नूं भी पावर्टी च वापस आउण दा खदशा है जी। तो जिहड़ी पर कैपिटा इनकम है वो आल ओवर द वर्ल्ड जिहड़ी लोकां दी है वो घट जाएगी। तो जिहड़ी इंटरनेशनल मोनीटर फंड ने 3.5 की ग्लोबल कंट्रैक्शन इन इकानमी प्रोडक्ट की है अफ्रीकन कंट्रीज जड़िया है वो ज़्यादा अफेक्ट होनगियाँ उदू गांह अपना नंबर आता इंडियन सब कॉन्टीनेंट का जी। सो उत्थे ज़्यादा लोग इन दी कंसंट्रेशन है उन्होंने कंट्रियाँ और जोड़ा 2020 वो जोड़ा ग्लोबल ह्यूमन इंडैक्स है पिछले 20 साल जोड़ा कि एक इंप्रूव हो रहा है जोड़ा कि एक मल्टी डायमेंशनल इंडैक्स होंदा वो भी थोड़ा अपना डाउन होने लगे। सो ये जिहड़ियां सारियां चीज़ां हैं ओवरऑल इन्हां ने बहुत इफेक्ट पाया। जिहड़े फीमेल ओन्ड बिजनेस सीगे स्पैशली वो 6% बंद हो गए क्योंकि उहदा कारण है कि वो जिहड़े बिजनेस सीगे वूमेन दे वो सर्विस इंडस्ट्री नाल सीगे मोस्टली घरां चों काम जां फिर वो जिहड़े ब्यूटी पार्लर जां तुसीं कुकिंग बिजनेस अपने हॉस्पिटैलिटी ला लो हॉस्पिटैलिटी सो वो बंद हो गए जी जी। बाजवा साहब मेरे को ना क्वेश्चन एक खड़ा हो गया बाकी दे मुद्दों ते आपां आउने आ। तुसीं हुण गल कीती कि ग्लोबल ह्यूमन इंडैक्स ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਂਸਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਲੈਬਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ। स्वागत जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਲੈਬਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਲੋਬਲ ਹਿਊਮਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਹਿਊਮਨ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਗਲੋਬਲ ਹਿਊਮਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਈਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਇੰਡੈਕਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਈਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ, ਉੱਥੋਂ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ, ਐਕਸੈਸੇਬਿਲਟੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਢੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਬਈ ਅਗਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸੀਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈ ਇਹ 'ਚ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਅਰ ਅਤੇ ਰਿਚ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਰਿਸੋਰਸਿਸ
ਰਿਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਇਨ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਓਵਰਆਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਿਵਿੰਗ ਅੰਡਰ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟਦਾ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਪੂਅਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਚ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿਊਮਨ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੀ 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 ਬਾਜੋ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਬਈ 2009 ਜੀ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਕ ਹੈ ਉਹ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ 2008-09 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਹਨੇ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੋਰ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਆਪਣੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਔਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਅਜੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੈ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਮੈਂ ਐਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਫਿਸਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ 100% ਕੰਮ ਆਫਿਸਾਂ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੈ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਟ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਹਾਂਜੀ 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 ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬੈਕ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪੈਕਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋ ਇਨਕਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰਿੰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਲਾਲ ਭਾਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਹੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਡਰਨਾ ਦੀ ਜਾਂ ਐਸਟ੍ਰਾਜ਼ੈਨਿਕਾ ਦੀ ਸੋ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਟੈਂਟ ਆ ਜੀ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋ ਇਹ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਸੋ ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਜੀ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਅੰਤ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨੀਗਾ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ UNO ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਣ ਜੀ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆਨਸਰ ਸੁਣੋ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
मैं दर्शकों को दसदा कि साडे सिटी ऑफ ट्रेसी के प्लानिंग कमिश्नर ने सरदार गुरतेज सिंह अटवाल गाहे बगाए साडे नाल कॉन्टैक्ट करते रहेंगे, प्रोग्राम हिस्सा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी बाजवा साहब। हाँ जी, सत श्री अकाल जी अटवाल साहब, तुसीं बड़ा वाजब सवाल पूछे है जी। और ये जी COVID-19 पेंडेमिक है, इन्हें जड़ियाँ एक दूजे कंट्री नाल जिहड़ियां साडियां कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन सी उन्हां ते डेफिनेटली इफेक्ट पाया जी। और इन्हें जिहड़ा नैशनलिज्म या पापुलिस्ट मूवमेंट सी उन्हों भी रिवाइवल दिता है जी, क्योंकि हर गवर्नमेंट के जो लीडर हैं चाहे वह रिच हैं चाहे वह पूर हैं, पूर वाले बेचारे को कुछ है नहीं, वो अपना रिच नूं कह रहे हैं भी साडी मदद करो जी। और जिहड़े रिच कंट्रीज हैं उन्होंने लोग ये कह रहे भी देखो जी हुण तुसीं इन्ना पैसा उन्होंने ना दो क्योंकि गांह का हाले पता नहीं है साढ़े दूजा आ जाए। सो ये वास्ते जी इंटरनेशनल कोआर्डीनेशन ज ग्लोबल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने यदा ध्यान तो देना पड़ेगा। मैं तो एक एग्जाम्पल देना जी, भी जो वैक्सीनेशन है ये जिमें हम अमेरिका को बहुत आ गई, होर अपने यूरोप दी कई कंट्रियां वैसटर्न पास भी आ गई, ये ज़्यादा वैक्सीनेशन रखने के नाल जदों ये दूजे असं कंट्रीज नहीं दे रहे तो ये जड़िया रिच कंट्रियां हैं ये भी इफेक्ट हो रही हैं। ये हुण तुसीं पुछोगे क्यों इफेक्ट हो रही है, क्योंकि जिहड़ी ह्यूमन कैपिटल है जिहड़े लोग काम करन उत्थों इत्थे आउंदे सी उहनां दा ट्रेड ते दूजा वह बंद होया पिआ। सो ये जिहड़ियां रिच कंट्रीज हैं दे आर लूजिंग $119 billion पर ईयर पर ईयर, क्योंकि उन्हां जिहड़ियां माड़ियां कंट्रियां चों जिथों के वह स्टैंडर्ड पूरे इंटरनेशनल मीट नहीं कर सके ट्रेड दे जां ट्रैवल दे वह आ नहीं सकते जी। सो जिहड़ा हुण वैक्सीन है वो बना लिया, ठीक है, इन्होंने कहा कि वो इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी है, पर आई एम वेरी श्योर कि जदों वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गनाइजेशन या जिहड़ियां होर ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गनाइजेशन है जदों उन्हां दे विच दखलअंदाजी देणगियां मीटिंग्स होणगियां तो वो वर्ल्ड लैवल ते उन्हां नूं लोकां नूं मुहैया कराया जाएगा। यह है कि गरीब कंट्रियां नूं थोड़ा अगर फ्री देता जाए घट पैसों से दिता जाए जी जी, तो रिच कंट्रियां नूं जिहड़ा है उन्हां कोलों पैसे ले जान, पर ये सानू सारिया नू रल के कोआर्डीनेटड साइमलटेनियस रिस्पांस करनी पैनी है तां इस डिजीज़ ने जाना, जिन्हें कदों जाना है किदन जाना है इत्थे हाले कोई बंदा क्लीयर नहीं है, ये प्रोलोंग कर सकती है, ये थर्ड वेव जिवें कह रहे हैं आ जाए आ सकती है, क्योंकि जिहड़ा स्पैनिश फ्लू सीगा 1920 ਦਾ ਉਹ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਲੈਬਰੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਾਨਸਨ ਜਾਨਸਨ ਹੈ, ਮਡਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ लेबर होनी सी जिहड़े वर्करस होने सी वो नहीं आ सकते, उहदे नाल 119 बिलियन का नुकसान डिवेलप कंट्री नूं पर ईयर हो रहा है। दर्शकों, बहुत सोहना प्रोग्राम चल रहा है, कॉल्स भी आ रही हैं, पर आपां रुकना पै रहा है छोटी जी ब्रेक दे लई, इस तरह बने रहो जस पंजाबी दे। स्वागत जी तुहाडा सारयां दा फेयर प्रोग्राम ओपन प्लेटफॉर्म जस पंजाबी दे मंच तों। दर्शकों, मैं तुहाडे रूबरू हुणा ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे शाम नूं 9 बजे पैसिफिक टाइम साडे कैलिफोर्निया स्टूडियो तों। दर्शकों, अपने नाल बने हुए ने मानयोग डॉक्टर इशपाल सिंह बाजवा, जिहड़े उचेचे तौर ते शिकागो तों इत्थे आए हुए ने स्टूडियो दे विच। बहुत सोहणा एलैबोरेट कर रहे कि करोना महामारी ने किस तरह इंपैक्ट कीता। बाजवा साहब, अपने को टाइम ज़्यादा नहीं है, मैं तुहानूं कहना कि मेरे को लास्ट क्वेश्चन नूं समराइज करो कि ये कंटेन किदा होगी, बीमारी कंट्रोल किदा होगी कंप्लीटली, तो इस तुम बाद उभर के जी इकानमी उत्थे उस लैवल पर ले जाने कि टाइम लगेगा, तो की चीज़ा करनिया पैनगियाँ वास्ते। बुलाल जी, जिमें आप पहला कहा सी जी भी ये अज के दिन के टोटल ग्लोबल कॉन्टेक्सट और उन्होंने की कॉन्सीक्वेंसिज हैं और कितने किन्ना किन्ना इफेक्ट होना जी, वो हाले सारी चीज़ बिल्कुल सर्टन हो के नहीं कही जा सकती, पर फिर भी कई ट्रेंड्स है जिहड़े वर्कआउट हो रहे हैं और ये जिहड़ियां डायरेक्शन जिहड़ियां स्ट्रैटजीज जां की करना किसी कंट्री ने जी जी, उन्होंने इस करन वास्ते पहला तो सानू वो जिहड़ी प्रॉब्लम है उन्हों आइडेंटिफाई करके और जिहड़ियां चैलेंजेस हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किया जाए, उन्होंने विच की आउंदा है भी मैगनीट्यूड ऑफ ग्लोबल क्राइसिस भी सारी दुनिया से किहड़ी कंट्री किन्नी इफेक्ट हुई है, एक तो सानू ये लभना पड़ेगा।
और इस तों बाद सानू फिर ये लभना पैना कि हाउ टू डू द इफेक्टिव मैडिकल कंट्रोल, जिदे च दवाइया हैं, ह्यूमन डाक्टर्स अवेलेबिलिटी है, और उदों बाद वैक्सीन हैं। ये तो पक्का हुण पता लग गया भई ये वैक्सीनेशन एट ए लार्ज स्केल आल अराउंड द वर्ल्ड इन द शॉर्टेस्ट पॉसीबल टाइम ये इस डिजीज़ नूं कंटेन करन च मदद करेगा। हुण अगों आउंदी है भी ये वास्ते सारे कंट्रियां दी इकानमी डाउन जा रही है जी जी, रिच कंट्रियां कोल जरूर पैसा है पर उन्हां दी भी इकानमी स्ट्रेन हुई है, जिवें कहिंदे आ वड्डा बंदा उहदे वड्डे खर्च उहदा कम बैठे तो उन्हूं भी काफ़ी झटका लगदा जी जी। पर हुण इत्थों ये है कि जिहड़ियां यंग डिवेलपिंग कंट्री सीगियां, लो इनकम कंट्री, मिडल इनकम कंट्री, उन्होंने वो पैसे मंगते हैं जी जी, और जिहड़े दूजियां कंट्रीज़ हैं वैसटन एड जी फ्री सी वो बड़ी घट गई right. पर वो कहें भी थानू असं पैसे देने हैं पर लैट्स वर्कआउट कितों देना। सो जितों तक तो बाईलेटरल या मल्टीलैटरल जोड़े उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट होए सी वो तो वह आनर कर रहे हैं पर बाईलैटरल जी सी कंट्रिया के समझौत्या भी परसेंट की कटौती हो गई है, मल्टीलैटरल तो उस लैवल से हाले हैगा। हूँ जोड़ा पैसे का घाटा है वो कितों पूरा करना जी, वो उत्थे हुण इवें है कि जिहड़े इंटरनेशनल मोनीटरी फंड है जी, इंटरनेशनल मोनीटरी इनवेस्टमेंट है वो पैसा दे रहे हैं पर वो एक बाणिया के बैग वांगू है, वो कहिंदे भी सानू इंट्रस्ट दिओ। अच्छा हुण इह कैच 22 है, जिहड़ियां पुअर कंट्री है जे तो वो पैसा नहीं लैंदे तो उन्होंने अपने सोशल प्रोग्राम अफेक्ट हो रहे हैं, हैल्थ एजुकेशन, जदों पैसा लेंदे हैं तो उन्होंने जिहड़ी डेट टू जी डी पी रेशो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। पर यह हुण जिहड़ा फाइनैंशियल स्ट्रेन है उन्हां कोल कोई चारा नहीं है, वो लै रहे हैं तो उन्हूं वो करनगे। पर हुण जिवें तुसीं सारी यह गल कही भी ये कोविड ने किया की है, कोविड आ गया चंगी भली दुनिया चल रही थी, इकानमी प्रोडिक्ट हो रही थी बड़ी उत्ते नूं जाणी, ये आ गए, इन्हें गुरलाल जी दो तीन चीज़ां एक्सपोज कर दित्तियां जी, साडी ह्यूमन दीआं उत्तों जिहड़ियां साडियां गवर्नमेंट सी उन्हां दीआं वीकनेस का पता लग गया जी, जिहड़े उन्हां दे प्रोग्राम सीगे उन्हां दी वीकनेस का पता लग गया, और जिथों तक के पैसों का दान प्रदान करते सी उन्हां दीआं भी वीकनेस सी वह भी एक्सपोज हो गई। सो इहदे नाल होया कि ओवरऑल इन्हां नूं सारे वर्ल्ड दीआं कंट्रीज़ नूं रीओरगनाइज रीएवैलुएट रीटूल करना पएगा, सो दैट जे कदी गांह नूं इहो जी कोई महामारी आउंदी है तो उहदा इफेक्ट दुनिया नूं ना पाए जी। पर पता ये लगता है कि असी जदों ये निकल जाता है लाइफ फिर उत्थे आ जाती है, गवर्नमेंट्स भी वेसलियाँ हो जाती हैं, प्रोग्राम भी वेसले हो जाते हैं, और ये मुड़ के उदों तक नहीं पता लगता जिन्ना तक कोई होर यह जी प्रॉब्लम नहीं आती जी, जी। सो जिहड़ियां पुअर कंट्री हैं उन्होंने प्राइस ज़्यादा पे करनी है, मिडल इनकम ने थोड़ी घट करनी है, जिहड़े रिच कंट्री हैं उन्होंने सिस्टम बैटर है। एक मैं छोटी जी एग्जाम्पल देना जी, वेखो जो सुनामी आई सी राइट, उदो इंडियन सब कॉन्टीनेंट च आई, वो हिंदुस्तान महासागर जिन्हों कहने उत्थे 2.5 लाख लोग मर गए राइट, उही 2011 च वह जहा एक तूफान 30 फुट दिया वेव जापान च आया उत्थे सिर्फ 9000 ही मरे। सो जिहड़ियां रिच कंट्रीज़ हैं वो हमेशा ही इन चीज़ों वास्ते उन्हां दी गवर्नमेंट्स कम कर दिया फंड लाउंदिया। सो ये चीज़ है कि असी तो यही बेनती या अरदास करते हैं कि जिहड़ियां सारिया गवर्नमेंट्स हैं वो इन्हां नूं ध्यान देन और अपने लोगों का ध्यान कर जी जी। बाजवा साहब मेरा एक खदशा सी आपां किस दिन फिर सांझा करां क्योंकि अज वक्त इजाजत नहीं दे रहा कि IMF जिहड़ा इंटरनेशनल मोनिटरिंग फंड वाले हैगे है कि उन्होंने कोई शिकंजा कसया जा सकता कि गरीब कंट्रियां नूं बिना व्याज तो भी पैसे दे दें ताकि वह खड़े हो जाए तो उस तो बाद जी अदायगी कर लैन, पर अज वक्त इजाजत नहीं दे रहा। तुसीं अज आए हो इन्हां च इन्ना सोहणिया एलैबोरेशन कीता, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। धन्यवाद जी, तुहाडा भी और जस टीवी का भी जी जी। दर्शकों ने डॉक्टर रशपाल सिंह बाजवा जिहड़े साडे नाल जुड़े हुए ने कल तो ते अज ते आउण वाले कल भी एक नवा मुद्दा लैके साडे नाल जुड़नगे। तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद, तुसीं साडा प्रोग्राम देखिया ते बहुत सोहणा एलैबोरेशन कीता ते आपां मिलदे अज वक्त इजाजत नहीं दे रहे, आपां मिलदे कल किसी नवें मुद्दे दे नाल।
उदों तक अपना पूरा ख्याल रखियो दर्शको। मैनू गुरलाल नूं दिओ इजाजत, मेरे वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।